सो भाई एक सवाल बहुत ज्यादा मेरे पास आ रहा था कि लील गोलू यहाँ पर हनी पाज की क्लास स्टार सॉन्ग को क्यों शेयर नहीं किया, इक्का ने क्यों शेयर नहीं किया, और क्या इन्होंने रिएक्ट भी किया या फिर नहीं किया, और क्या लील गोलू इक्का अब हनी पाज की टीम में है या फिर नहीं, या फिर रफ्तार बादशाह की टीम में, भाई हो क्या रहा है। तो भाई इस पर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो आपने ये चीज नोटिस की होगी, क्लास स्टार आया था उस दिन यहाँ पर लील गोलू का टीजर भी आया था बच्चे ना सुने करके, और उस टीजर पर यहाँ पर इक्का का कमेंट आपको देखने को मिलेगा, रफ्तार का कमेंट देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर ये चीज तो आप नहीं कर ही नहीं सकते कि ये एक साथ नहीं है भाई, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। उसके दो दिन पहले यहाँ पर इक्का का भी कुछ सॉन्ग आया था, तो इक्का के सॉन्ग को भी यहाँ पर रफ्तार ने अप्रिशिएट किया था, लील गोलू ने भी शेयर किया था, तो ये चीज उनकी तरफ से भी हमें देखने को मिली थी। सो ये चीज तो कन्फर्म हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे बादशाह तो नहीं है भाई, तो बादशाह भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि बादशाह और रफ्तार तो भाई एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त है, इस चीज को आप छुपा ही नहीं सकते वो दुनिया के सामने। साथ ही हसल 3.0 शो यहाँ पर बादशाह कर भी रहे हैं। अब बादशाह हसल 3.0 शो जब कर ही रहे हैं तो उस शो के अंदर आपने कुछ चीज नोटिस की होगी, इक्का भी है, इक्का की पास्ट में नहीं बनती थी यहाँ पर बादशाह रफ्तार से, लेकिन अभी फिलहाल टाइम में उनकी बहुत अच्छी पड़ती है, बनती है। तो भाई हसल 3.0 में जब एक साथ है तो वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड भी करेंगे, और मतलब की टाइम जब स्पेंड करेंगे तो भाई आप सब समझ रहे हो ना, दोस्त बन ही गए हैं वो तो एक दूसरे के। यहाँ पर पहले भी यहाँ पर इक्का भाई ने उनको अप्रिशिएट किया था, बादशाह को पाजी बोलते हैं, यहाँ पर बादशाह ने भी इक्का को अप्रिशिएट किया, तो वो भी एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, क्लोज दोस्त है। तो भाई जब इक्का भी यहाँ पर बादशाह का क्लोज दोस्त है, और यहाँ पर जब रफ्तार भी बादशाह के क्लोज था ही पहले से, तो भाई अब फिर लील गोलू क्यों नहीं होगा भाई, लील गोलू भी तो इनके ग्रुप का ही है ना। तो लील गोलू और इक्का और इन सब चीजों को आप कनेक्ट करोगे एक दूसरे से, तो ये कैलकुलेशन निकल कर आता है कि भाई रफ्तार, बादशाह, इक्का एंड लील गोलू भी फिलहाल टाइम में एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे के साथ है, हनी पाजी से कहीं ना कहीं वो डिसकनेक्ट है। और हनी पाजी के क्लास स्टार को शेयर नहीं करने का रीजन भी ये है, क्योंकि अभी इक्का या फसल 3.0 शो में यहाँ पर बादशाह के साथ है, और रफ्तार इक्का का यहाँ पर और लील गोलू इक्का का यहाँ पर कनेक्शन है, तो यही सबसे बड़ा रीजन है। और एक और सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता देता हूँ, रफ्तार का इस ग्रुप में होना, जहां पर रफ्तार है तो वहां पर फिर हनी पाजी से दूर होना तो अदर आर्टिस्ट का लाजमी है, और आज से 10 या 12 सालों से लोगों ने देखा है एक आर्टिस्ट के साथ में बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ साथ। साथ ही अगर आपको उदाहरण दूं तो सिंगस्टा के साथ में सेम चीज हुई थी, सिंगस्टा किंग का बहुत खास दोस्त था, और किंग का खास दोस्त यहाँ पर रफ्तार है, सो इनडायरेक्टली वही चीज हुई थी और सिंगस्टा भी यहाँ पर लेफ्ट हो गया था दोस्त, तो वही चीज हमें देखने को मिली है। लेकिन अब आप लोगों के माइंड में एक चीज चल रही होगी, क्या भाई लील गोलू इक्का क्या हनी पाजी के साथ इन फ्यूचर हमें दिखेंगे, तो ऑब्वियसली दिखेंगे। उसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ, यहाँ पर इक्का ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैंने हनी पाजी को वर्ड्स भेज दिए हैं, अब जब हनी पाजी फ्री होंगे, जब वो बोलेंगे तब हम तैयार होंगे, मतलब यहाँ पर इक्का की तरफ से यही कहना था जब हनी पाजी बोलेंगे तो हम तैयार हैं। तो हनी पाजी मुझे लगता है IV2 के अंदर इक्का का वर्ड्स रख सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस है, और IV2 के अंदर इक्का और हनी पाजी की जोड़ी हमें देखने को मिल सकती है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वर्ड्स यहां पर इक्का के ऑलरेडी हनी पाजी के पास है, और हनी पाजी कुछ ना कुछ यहां पर तिगड़ा लड़ाई देंगे। बाकी बात रही तो अगर इक्का के साथ यहां पर हनी पाजी करेंगे तो फिर लील गोलू कैसे पीछे रह सकता है, तो लील गोलू के साथ भी हमें बहुत ज्यादा चांस है कि इन फ्यूचर हमें IV2 के अंदर इनका कोलैब भी साथ में देखने को मिल जाए या फिर इंडिविजुअल देखने को मिल जाए। लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर इनके बीच बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं है। पुरानों बंदों में से यहां पर 4 बंदे एक तरफ है और अल्फाज और हनी पाजी अभी एक तरफ है। सो अगर आप हनी पाजी के फैन हो तो यहां पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर नहीं हो तो आप फैन बन जाओगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू जैन एंड जय भारत।